संस्कृति जी प्रीमियर है तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फाइनली. जिस सबको पता है कितना टाइम लगा बट फाइनली रिलीज मिली. आई मीन यू कैन सी द एक्साइटमेंट. द फ्लोर इज कम्प्लीटली कॉम्पैक्ट. मूवी में किस तरीके का किरदार प्ले कर रही हैं? आई एम प्लेइंग अ मॉडर्न इंडियन गर्ल. शी इज वेरी स्ट्रांग एंड व्हेन आई फील स्ट्रांग दैट डजंट मीन फिजिकली स्ट्रांग. इमोशनली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, जिसे हम बाहर भी देखते हैं नो. व्हेन वी गो आउट व्हेन वी कम अक्रॉस वुमेन सो वुमेन आर यूजुअली दे मोर स्ट्रांगर देन ऐसे. और आगे आप डांस दो घंटे बाद प्रेमर शुरू होने वाला आपको देखने आपको मजा आएगा. ओके, मूवी प्ले होने वाली, कितना डर है अंदर आपके? डर है बट नर्वसनेस इज कम डाउन. एक्साइटमेंट ज़्यादा है, दोनों ही है. ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगी, आई मीन आई विश एंड आई होप कि मैं लोगों के दिल में जगह बना पाऊँ, ऐसा काम करूँ कि मेरे काम से लोग इम्प्रेस हों. जी, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा प्रोड्यूसर्स को. उस यूनिट में मैं भी हूँ क्योंकि मैंने भी इसमें काम किया है और बड़ी मेहनत से फिल्म बनी है. हर फिल्म बनती है, ये भी बनी है, तो बस लोगों का आशीर्वाद और प्यार और दुआएं चाहिए. हमें बिकॉज हमने कैरेक्टर एक्टर्स हैं हमने, तो हमें बहुत ज़्यादा इतना डेफिनेटली एक डर तो होता है क्योंकि जब से स्टेज करते थे थिएटर, जब एंट्री होती थी एंट्री से पहले एक डर होता था, तो वो अब तक भी है. टीवी कर रहे हैं, हर शॉट के पहले एक डर होता है, मूवी रिलीज हो रही है एक डर है. लेकिन हमसे ज़्यादा डर एक्चुअली हीरो हीरोइंस को ज़्यादा डर होता है. हम कैरेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं वो गैप में एक पानी की तरह फिट हो जाते हैं, तो डर तो होती है खैर. लेकिन ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगा, मैंने आई थिंक कल परसों भी किसी को दोहराया था मैंने, कि भाई आपको फिल्म अच्छी लगे, आपने किसी से सुना या आपको गाने पसंद है तो आकर थिएटर में देखिए. आप प्लीज़ पायरेटेड मोबाइल पर कोई भी फिल्म ना देखें किसी भी लैंग्वेज. बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों के ज़रिए ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पायरेटेड फिल्म मत देखिए डाउनलोड करके मोबाइल पर. आप किसी से सुनेंगे थिएटर में आके देखिए, आपको अच्छा लग रहा है तो, नहीं अच्छा लग रहा है मत देखिए, लेकिन पायरेटेड मत. थैंक यू. मैंने इस मूवी का पहले ही ट्रेलर देखा है तो बहुत अच्छा लगा है और बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए. अभी देखता हूँ और शुभकामना देता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी होगी. भाई बजरंगी भाईजान देखो सभी को पसंद आई है और खुशनसीब हूँ मैं उस कैरेक्टर के लिए चुना गया और वो कैरेक्टर उम्मीद से ज़्यादा पसंद किया गया. जी. अपकमिंग है, अभी है. मैं कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर 2013, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर है और दो तीन प्रोजेक्ट और कर रहा हूँ उसके बारे में अभी नहीं. ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा, मैं अभी तो इतना कुछ नहीं कर पाया, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कुछ कह सकूँ. अगर ज़िंदगी ने और मौका दिया कुछ अच्छा कर पाया तो फिर मैं कुछ कहूँगा जो मेरे दिल में है, जो मेरे माइंड में बात है. इस मूवी के लिए मैंने ट्रेलर देखा है, बहुत अच्छा लगा है मुझे. और एक इसमें जो मुझे मालूम हुआ कि एक फोटोग्राफर की एक कहानी है, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक इंडस्ट्री से जोड़ते हैं और हम सभी इंडस्ट्री में जाना पसंद करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म पसंद आएगी हम जैसे लड़कों को खास करके. मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरी टीम को, आपको भी शुक्रिया. ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ब्राइट फ्यूचर के 100 में से 98 मूवीज मैं कर रहा हूँ और बड़ी फिल्में भी मेरे पास है, तो ये भी फिल्म बड़ी हो जावे और इनको सुपर डुपर हिट हो और लोग अच्छे फिल्म करें. क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को इस मूवी के लिए? बस एंजॉय करें, अच्छी फिल्म है. मैं अभी आया हूँ, मैंने भी फिल्म देखी नहीं है, मैं देखने के बाद कुछ व्यूज़ देगा, लेकिन हर फिल्म अच्छी रहती है तो लोग एंजॉय करें. हैप्पी
थैंक यू। आशा करती हूँ कि ये मूवी हिट हो, लोग इसको कल देखने ज़रूर जाएं, और बहुत ही अच्छा काम किया है एक्टर एक्ट्रेस ने, और बहुत ही अच्छा म्यूज़िक भी है। अजय सतीश जी ने बहुत ही अच्छा म्यूज़िक किया है, और ख़ास करके जो सॉन्ग मैंने गाए मुझे बहुत पसंद है। मैम अच्छा है, सॉन्ग्स के बारे में क्या, तो जो आपने सॉन्ग गाए आप अगर उसकी दो लेने अगर जी ज़रूर सर। का देखूं मैं चांद प्यारे, का देखूं मैं चांद प्यारे, तो जो नजर ना सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, माना तुझे को खुदा, ढाई आखर प्रेम का बहुत ही अच्छा है, बाकी अभी मैंने सुने नहीं है, आज सुनूंगी। रोल है? रोल? फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा है, इश्क क्लिक, तो फिल्म ही क्लिक होने वाली है, हमारा हीरो क्लिक होने वाला है। हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि अज्ञान सुमन की एक ऐसी फिल्म आए जो लोग बहुत पसंद करें और उसको अपना ड्यू मिले, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो सक्सेस उसे मिलने चाहिए वो इस फिल्म से उसे मिलेगी। बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, एक अच्छी फिल्म मिलनी चाहिए थी और ये बहुत अच्छी फिल्म है, इस फिल्म से उसका जो टैलेंट है वो सामने आ जाएगा। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? ज़रूर देखिए और मज़े लीजिए इस फिल्म के। थैंक यू। इश्क क्लिक ये फिल्म जो है ये वाकई इस फिल्म से लोगों को इश्क हो जाएगा और ये फिल्म वाकई क्लिक करेगी, और क्योंकि इसके होर्डिंग जो है हमारे योगेश भाई जो है लटकाने वाले पूरे ऑल वर्ल्ड में, तो मैं समझता हूँ कि ये फिल्म जो है पूरी वर्ल्ड में हंगामा मचाने वाली है, ऐसा मेरा अध्ययन है। बाकी आप समझ जाइए कि आपका सुमन क्या कहते हैं और आपकी इच्छा क्या कहती है, लेकिन आपका मन भी जो है वो सुमन है, और मैं समझता हूँ कि अध्ययन सुमन की इस फिल्म को लोग क्लिक करेंगे, पसंद करेंगे। अध्ययन सुमन जी के बारे में क्या कहना चाहिए? मेरे भतीजे की तरह है, क्योंकि शेखर जी हमारे पारिवारिक संबंध है, लाफ्टर चैलेंज में हमारे वो शेखर सुमन जी शिक्षक थे, परीक्षक थे, प्रशिक्षक थे, और उसी वक्त से मैं जानता हूं उनको, और वो बड़े होनहार हैं अध्ययन जी, और पूरा परिवार ही बड़ा हंसी मजाक वाला और खुशियां देने वाला है, तो मैं समझता हूं कि भगवान उन्हें भी बहुत सारी खुशियां दे इस फिल्म के माध्यम से, और फिल्म सुपरहिट हो और सभी को अच्छा लगे। वक्त जनों, आज तक सेल्फी बहुत क्लिक की होगी, फोटो बहुत क्लिक किया होगा, लेकिन अब क्लिक करने की बारी आई है इश्क को, तो इश्क क्लिक करो और ऐसा क्लिक करो कि बस जीवन से कभी इश्क जा ना पाए, हमेशा आपके दिल में घर बन के रह जाए। अध्ययन सुमन को जो है बहुत बढ़िया रोल इस फिल्म में है, आप इसे एंजॉय करो। वक्त जनों, अध्ययन सुमन की भावनाओं को समझो। God bless you, all the best.